यहाँ का जो प्रोटेस्ट मंच था वो आज यहाँ पे जो पूजा है, दुर्गा पूजा है, षष्ठी है, आज के दिन पूजा मंडप में जो उन लोगों का जो प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम ऐसा था कि वो हर पंडाल जाएंगे, पंडाल जा के क्यों वो अनशन कर रहे हैं, क्यों वो हंगर स्ट्राइक में है, क्यों हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, ये सब बात वो पीपल से एकदम डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते थे। तो ये उनका जो प्रोग्राम था, इसके लिए उन्होंने पुलिस का एनओसी उनको मिला था। 12 पूजा मंडप जाने का उनका प्लान था, 3 बजे का प्रोग्राम था, इसके लिए 3 मेटाडोर यहाँ पे आया। लेकिन पहले पुलिस ने क्या किया, उन मेटाडोर को मेरा राइट साइड में थोड़े जाके चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन में, हम जहाँ पे आप खड़े हैं, ये प्लैनेट मेट्रो स्टेशन बोलते हैं कलकत्ता के, यहाँ का राइट साइड में थोड़ा देर जाएंगे तो और एक मेट्रो स्टेशन है, चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन। उस चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के एडजेसेंट जगह पे वो 3 मेटाडोर को रोक के रखा पुलिस ने। ये खबर जब मंच पे आई, जो मंच मेरे लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे अनशन मंच है मेट्रो चलन में, अनशन मंच से जो पीपल थे, वो लोग जो मास थे, वो आए चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन तक। चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन आके उन्होंने पुलिस के साथ बातचीत की, प्रोटेस्ट दिखाया, उसके चलते एजिटेशन के जरिए पुलिस ने वो मैटर को छोड़ दिया। लेकिन पुलिस ने क्या किया, ये जो शहर का बीचों बीच जगह है, ये जो जगह है इसको स्प्लैनेट बोलते हैं, धर्मतला बोलते हैं, यहाँ से शहर के हर तरफ, कलकत्ता शहर के हर तरफ जाने का रास्ता है, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, जहाँ भी जाएंगे, ये है कलकत्ता का सेंट्रल पॉइंट। यहाँ से राइट साइड पार्क स्ट्रीट है, आप भवानीपुर चले जाएंगे, साउथ कलकत्ता चले जाएंगे, सीधा जाएंगे तो एकदम मौलाली होकर शियालदा, एम बाईपास, ईस्ट कलकत्ता आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। यहाँ से सेंट्रल कलकत्ता जाकर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो यही जो रास्ता है, इस रास्ते के बीचों बीच उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो बस आप देख रहे हैं, इस बस को यहाँ पे रोका हुआ है, ये तेल का टैंकर, ये लोडेड टैंकर यहाँ पे रोका हुआ है। क्यों रोका हुआ है, और आगे चल के एक मिनी बस भी रोका हुआ है, क्यों रोका हुआ है, क्योंकि उनका कहना ये है, जो ड्राइवर लोगों का कहना यह है कि पुलिस ने उनका चाबी ले लिया। हम नेशनल न्यूज़ चैनल News9 से बात कर रहे हैं, आपका चाबी किसने लिया, या आप किस ऑयल टैंकर का ड्राइवर है? है, खलासी है। किसने लिया? ऑफिसर लेके लेके गया। कौन ऑफिसर? बोलो, जाम लग रहा है। कौन ऑफिसर लेके? सर्जन लेके गया। कौन? कोलकाता पुलिस का सर्जन? हां, कोलकाता पुलिस का। कोलकाता पुलिस का सर्जन लेके गया? क्या बोल के ले गए? अरे कोलकाता पुलिस सर्जन नहीं जावे ना, कि हावड़ा पुलिस नहीं जावे, कोलकाता पुलिस जावे। क्या बोले? बोलो जाम लेगा, ये 5 मिनट दाना, तुम्हारे हम चाबी दियो, हमार नीलो बस सामने चले गए बस। ये बोल रहे हैं कि इनका जो तेल ऑयल का टैंकर है, इनका चाबी ले लिया, ये जो बस है, इन लोगों का चाबी ले लिया, और ये घंटा भर हो रहा है, घंटा भर से इन 3 बस को एकदम बीचों बीच रोक के गया। इससे क्या हुआ, इससे जो हुआ, सारा शहर में जो जैम था वो फैल गया है। आप जिस तरफ से भी देखेंगे आप निकल नहीं पाएंगे। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, जूनियर डॉक्टर्स बोल रहे हैं इससे फ़ायदा ये हुआ कि अभी तक परिक्रमा नहीं निकला है, उनको एनओसी है लेकिन वो तक अभी तक नहीं निकला है। आप लोग निकल पाए हैं क्यों, आपका इंटेंशन क्या लग रहा है, क्यों ये ऐसा किया? देखिए, इंटेंशन तो बहुत साफ सफाई है, एकदम पहले जब हम लोग मेल किया था कि हम लोग ये जगह पे जाएंगे, और ये क्या हुआ था, ये अभया के लिए और उमा जो जयनगर में हुआ है, ये सब चीज़ के लिए एक प्रतीक की मूर्ति लेके हम लोग जाना चाहते थे, कि एक सामने से, कोई मंडप में नहीं जाएंगे, सामने से ये चलते थे। लेकिन वो पहले हम लोग का क्या बोला कि बैनर अलाउड नहीं है, माइकिंग अलाउड नहीं है, फिर भी ठीक है। अभी आके बोल रहे हैं कि मैटाडोर भी अलाउड नहीं है, लेकिन मैटाडोर अलाउड जो नहीं है वो वाला मेल पे भी नहीं आया। हम लोग मैटाडोर वगैरह सब कुछ यहाँ पे तैयार करके रखे थे, उसके बावजूद मैटाडोर जो अलाउड नहीं है वो अभी आके वर्बली हमको बोल रहे हैं, अभी 2 बजे के बाद अभी आके बोल रहे हैं। इसके बाद अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये सब चीज़ का उसने एक बार वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर सिविल ड्रेस पे आके एक मैटाडोर का चाबी लेके चला गया, ठीक है। तो वहाँ पे एक झंझट हुआ, ये झंझट चांदनी चौक में ये झंझट कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? अगर यहाँ पे जो शहर के बीचों बीच ये जो 2 बस एक ऑयल टैंकर रोका गया है, ड्राइवर लोग बोल रहे हैं चाबी लेके चला गया है, पुलिस लोग बोल रहे हैं कि चाबी लेके चला गया है, ड्राइवर लोग कर रहा है, पुलिस ऐसा क्यों कर रहा है? ताकि झंझट हो और वो जिम्मेदारी वो इल्जाम हम लोग के ऊपर आए, नॉर्मल लोगों के ऊपर आए, कॉमन लोगों के ऊपर आए, चक्का जाम करके किस
किसका फायदा होगा? ये इल्जाम आएगा हम लोग के ऊपर कि दुर्गा पूजा के सही टाइम में इन लोग के चक्कर में ये सब हो रहा है, और पब्लिक एजुकेशन होगा, पब्लिक एजुकेशन होगा ये सब के लिए ये सब कर रहा है। आप सुन रहे हैं कि इन लोग जूनियर डॉक्टर्स जो हैं उनका क्या मानना ये है कि अगर पब्लिक एजुकेटेड हो जाए, पब्लिक का जो सपोर्ट है, मास जो सपोर्ट है, वो मास सपोर्ट यहाँ से हट जाए, इसके लिए इस तरह से हथकंडे वो लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे पुलिस का एक ऑफिसर है, यहाँ पे ह्यूमन चेन करके उनको रखा गया है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कोलकाता पुलिस का ये जो आधिकारिक है, हम सवाल स्ट्रेट सवाल पूछेंगे उनसे। सर सीधा सवाल है, सीधा सवाल है, ड्राइवर बोल रहे हैं चाबी पुलिस लेके गया, चाबी कहाँ है सर? एक घंटा हो गया शहर के बीचों बीच, चाबी कहाँ? सर आप लोग ट्रैफिक से हैं, आपका काम है, जिम्मेदारी है कि ट्रैफिक ना हो, तो यहाँ पे ट्रैफिक की गाड़ी की वजह से हुआ है, उनको हटाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं सर? आप लोगों का क्या कोशिश है? क्यों कुछ नहीं बोल रहे? ये एकदम खामोश है कोलकाता पुलिस। हम लोग पूछ रहे हैं, एकदम सीधा सवाल है, जायज सवाल है कि यहाँ पे शहर के बीचों बीच तीन गाड़ी खड़ा हुआ है, उन तीन गाड़ी को वजह से पूरा चक्का जाम हो गया है, शहर का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट रोक के रखा है, इसके चलते जूनियर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सारे शहर में जो जानझट हो रहा है उनको उनके जरिए पब्लिक का जो एजिटेशन है वो उनके ऊपर आएगा, जूनियर डॉक्टर्स के ऊपर आएगा, तो इसीलिए और एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, जो मिनी बस अटका हुआ था उनको धक्का देने की कोशिश में है ये लोग जो जूनियर डॉक्टर्स धक्का देखे उस मिनी बस को हटाने की कोशिश में है। ये जो मिनी बस है इसको ये भी देखिए, इस मिनी बस का भी चाबी लेके चला गया था, इसको जूनियर डॉक्टर्स ने कहा कि इसको धक्का देने की कोशिश। अभी जूनियर डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि वो लोग कोशिश कर रहे हैं खुद से कि इस झंझट को कैसे हटाया जाए। तो ऐसा माहौल जो है, आप सोच सकते हैं कि कलकत्ता पुलिस के खिलाफ कैसे कैसे एलिगेशन आ रहे हैं।